फिर आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल गेम्स 2022 में आज यानी कि 3 अक्टूबर के रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन डिस्कस थ्रो की, जिसके फाइनल्स खेले गए और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है पंजाब के किरपाल सिंह ने, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ नया नेशनल गेम रिकॉर्ड भी सेट किया है। जी हाँ, 59.3 मीटर्स की उनकी थ्रो रही और अब ये नया नेशनल गेम रिकॉर्ड भी बन गया है। सिल्वर मेडल जीता है सर्विसेज के गगनदीप सिंह ने, वहीं ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है सर्विसेज के प्रशांत ने। नेक्स्ट इवेंट की ओर बढ़ते हैं तो विमेन लॉन्ग जंप के फाइनल्स भी देखने को मिले, जहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है नैना जेम्स ने, जो कि केरला की है, विद अ जंप ऑफ 6.33 मीटर्स। वहीं सिल्वर मेडल जीता है उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने विद अ जंप ऑफ 6.28 मीटर्स और ब्रॉन्ज मेडल जीता है केरला की श्रुति ने विद अ जंप ऑफ 6.24 मीटर्स। नेक्स्ट बैडमिंटन में मिक्स टीम हमें फाइनल्स देखने को मिले, जहां पर गोल्ड मेडल जीता है तेलंगाना ने, वहीं सिल्वर मेडल जीता है केरला ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है गुजरात और महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट इवेंट की बात करी जाए तो वो रहने वाला है वेट लिफ्टिंग, जहां पर हम बात करेंगे मेन 96 केजी क्लीन एंड जर्क की और उसमें गोल्ड मेडल जीता है अरुणाचल प्रदेश के सैम्बो ने विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 198 केजी और इस लिफ्ट के साथ उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। वहीं सिल्वर मेडल जीता है सर्विसेज के जगदीश ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है हरियाणा के प्रवीण ने। उसके अलावा विमेन 76 केजी क्लीन एंड जर्क की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल जीता है तमिलनाडु की अरोखिया ने, वहीं सिल्वर मेडल जीता है यूपी की पूनम यादव और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है पंजाब की हरजिंदर कौर ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम विमेन 10,000 मीटर रन की, जहां पर गोल्ड मेडल जीता है हिमाचल प्रदेश की सीमा ने विद अ टाइमिंग ऑफ 33 मिनट्स 58.80 सेकेंड्स। सिल्वर मेडल जीता है हरियाणा की भारती ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है यूपी की कविता ने। वहीं मेन 10,000 मीटर रेस देखने को मिली और वहां पर गोल्ड मेडल जीता है सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने विद अ टाइमिंग ऑफ 28 मिनट्स 54.29 सेकेंड्स और इस टाइमिंग के साथ उन्होंने नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। सिल्वर मेडल जीता है अभिषेक पाल ने, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता है सर्विसेज के कार्तिक कुमार ने। नेक्स्ट बात करने वाले हैं पोल वॉल्ट की, जहां पर मेन पोल वॉल्ट के फाइनल्स देखने को मिले और गोल्ड मेडल जीता है सर्विसेज के सुब्रमण्यम सेवा ने, जिन्होंने 5.3 मीटर्स के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। वहीं सिल्वर मेडल जीता है गोकुलनाथ ने, जो कि सर्विसेज के हैं और ब्रॉन्ज मेडल जीता है राजस्थान के रामबीर ने। स्विमिंग में मेन और वुमेन के 100 मीटर बटरफ्लाई की बात करते हैं तो मेन 100 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल ले गए हैं साजन प्रकाश, वहीं वुमेन के अंदर गोल्ड मेडल ले गई है आस्था चौधरी, जो कि आसाम की है, वहीं साजन प्रकाश केरला के। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम शूटिंग की, जिसमें काफी इवेंट्स रहे और सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीट मिक्स टीम की, जहां पर गोल्ड मेडल जीता है पंजाब ने, वहीं सिल्वर मेडल मध्य प्रदेश और ब्रॉन्ज मेडल दिल्ली और हरियाणा ने। 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम के फाइनल्स रहे, जहां पर गोल्ड मेडल जीता है पंजाब ने, सिल्वर जीता है उत्तर प्रदेश और ब्रॉन्ज जीता है हरियाणा और महाराष्ट्र ने। तो ये थे अहम इवेंट्स के सभी रिजल्ट्स आपके लिए। अब आखिर में हम बात करने वाले हैं मेडल टैली की, तो मेडल टैली में हमें जरूर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कल के दिन के कंपैरिजन में। जरूर फर्स्ट और सेकंड स्पॉट एज यूजुअल है, लेकिन उसके अलावा बाकी नीचे के स्पॉट्स में चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो मेडल टैली में टॉप कर रहा है सर्विसेज विद अ टोटल नंबर ऑफ 68 मेडल्स, जिसमें से 32 मेडल गोल्ड है। वहीं दूसरे पर बना हुआ है हरियाणा विद अ टोटल ऑफ 58 मेडल्स, जिसमें से 23 गोल्ड है। तीसरे स्थान पर, जहां पर कल तक यूपी था, अब तीसरे स्थान पर आ गया है महाराष्ट्र टोटल 60 मेडल्स के साथ, जिसमें से 14 गोल्ड है। वहीं चौथे पर खिसक गया है उत्तर प्रदेश विद अ टोटल ऑफ 35 मेडल्स, जिसमें से 14 गोल्ड। वहीं पांचवे पर है तमिलनाडु और टोटल मेडल्स की बात करते हैं तो वो है 38, जिसमें से है 12 गोल्ड। छठे पर है पंजाब, बाकी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए फिर, ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए, सभी अहम इवेंट्स के नतीजे और कल के दिन का भी शेड्यूल जैसा रहेगा वो हम आप सभी के लिए कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।